बीजेपी का मतलब सेवा है, याद रखना, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक इनको बना लीजिए। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक राजन को बना लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम के भाव में अब नाला सोपारा को अयोध्या बना दीजिए। जय श्री राम के भाव में अब नाला सोपारा को अयोध्या बना दीजिए। आप लोग जिसे हम कुछ बात तो आप लोग सोचिए, कहने का क्या क्या अर्थ है। जब ये जीत जाएंगे तब फिर मनोज तिवारी को बुलाना। आज तो खर्चल फैला के, हम गमछा फैला के आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए राजन नाइक को मांग दिया है मेरे भैया। और जब जीत जाएंगे तो हम फिर उसके बाद ए राजा जी फिर शुरू हो जाएंगे। ए राजा जी एक करे तारा हा जरूरत मूरत खूबसूरत, तभी कहेंगे ना। अभी तो कहे तो कैसे कहे। अरे हमारा बुझाता बबुआ, अरे जीएम होई है ना 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 डीएम होई है हो एललना राजन नायक नाला सुपारा के विधायक हुई है, सबके खातिर लायक हुई है हो राजन नायक नाला सुपारा के विधायक। यहाँ विधायक को क्या बोलते हैं, आमदार। यहाँ पे सांसद को खासदार बोलते हैं, तो क्या हम अपने भाषा में बोल रहे हैं। और राजन नाइक वैसे भी देखो क्या होता है, कभी कभी आदमी के चेहरे से उसके अंदर का भाव दिखता है। और मैं जब जब इनसे मिला हूं, मेरा विश्वास है नाला सोपारा के डेवलपमेंट में एक नया इतिहास जुड़ेगा। एक नारा चलता है उत्तर प्रदेश में, नारा चलता है चुपचाप कमल छा, चुपचाप चुपचाप। और बाद में भोजपुरी में एक लाइन हो जोलते हैं कि मिल के रवा सब दही जच्चा चुपचाप कमल छा। ये हमारे लोग कहते हैं, ये लोकतंत्र है। यहाँ कोई किसी को, अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, हमारे महायुति की सरकार चल रही है, कोई किसी को डरा नहीं सकता मेरे भाई, कोई किसी को धमका नहीं सकता। एक रिपोर्ट दे करके देखो फिर पता चलेगा कि किसी को धमकाने और डराने का फल क्या है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी विधायक अपना सरकार चुनने का अधिकार है। और ये मनोज तिवारी आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। अभी आज मुझे चार पांच जगह जाना है, अभी नाला सोपारा में दो तीन जगह और जाऊंगा, फिर कांदीवली जाऊंगा, फिर अंधेरी वेस्ट जाऊंगा और हर जगह जा करके अपने महायुति का झंडा लहराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बने, जब बन जाए तब फिर आऊंगा, फिर जो कहोगे वो जो खाना लाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छठ चुकी आज ही बीता है, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर के चार लाइन छठ का गीत गाएं। अरे पहले पहला हम कैली छठी मैया व्रत तोहार, छठी पहले पहले हम कैली पहले बेरी मांगता मनोजवा नाला सुपा।
तुम्हारा से विधायक हो हमारा, नाला सोपारा से विधायक हो हमार। अरे छठी मैया करीहा सहैया, भूल चुके गलती हमार, भूल चुके गलती हमार। का चाही बस के बहनी लचे का, अरे बना हो राजन नाइक कहरिया। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, सबके हाथ उठने चाहिए, दोनों हाथ उठाए गिट करो। पीएम को दिखा देता हूँ, कुछ काम आप कर रहे हैं, कुछ काम हम भी कर रहे हैं, वक्त बहुत कम है, जोर लगा दो। कुछ को मोदी जी जगा रहे हैं, देवेंद्र भाई जगा रहे हैं, कुछ को हम आप मिलके जगा दो। यही बात आपसे कहते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर। और एक और नाराज कर लगा रहा हूँ, मेरे गले में बागेश्वर धाम विराजने लगे हैं। विंध्यवासिनी मैया के आशीर्वाद से प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम। भी जाता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अब कुछ मान लो रेल की समस्या आई, गाड़ी की बात आई, तो विधायक बनेंगे ये और दिल्ली में बैठ करके नाना सुपारा का डायरेक्ट कुछ काम कराएगा मनोज तिवारी, ये भी आप याद रखिए। यहाँ पे इस विधानसभा में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस परिवर्तन के बाद जो नाला सुपारा में आप करेंगे, मनोज तिवारी आपको विश्वास दिला सकता है कि उसका आपको ऐसी चमक देखने को मिलेगी कि आप लोग मनोजवा के फिर खोजबो जाके आओ, आओ तो पहले रह ले तो उनके का हो पाते। हाँ हम चले आएंगे, हम तो बड़ा घर है यहाँ पे, तो हम तो चले आएंगे। और इससे ज्यादा हम क्या कहें, देखो आजकल किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि बटना नहीं है, जुड़ना है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप बटेंगे तो हमें बांटने वाले बाद में महफिल सजाएंगे। बीजेपी के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप याद रखना, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, आपने सुना ना, हरियाणा के चुनाव में भी मैं स्टार प्रचारक रहता हूं, यहां भी आपके यहां जहां भी चुनाव होता है, और जहां जहां हमारा गंगा वाले लोग गए हैं वहां तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो मेरा आपसे ये याद से, कई लोग हमको बोलते हैं कि यहां भैया बड़ा थोड़ा भय का वातावरण, अब तो भय का वातावरण नहीं होना चाहिए, अब जो भय फैलाएगा वो स्वयं उसका फल खा जाएगा। उम्मीदवार माननीय श्री राजन नाइक जी, नाला सुपारा विधानसभा 132 के, नाला सुपारा विधानसभा 132 के माननीय श्री राजन नाइक जी और साथ में हमारे सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी जी, आप सबका अभिवादन कर रहे हैं। और महायुती के उम्मीदवार माननीय श्री राजन जिस प्रकार का जोश है, नीचे रखना।
शुरू करोगे राजा नाइक जी हमारे कैंडिडेट और कमल का निशान नहीं मैं सरकार का लोगों से बातचीत करते हुए भी जो हमको उत्साह दिखा है इस बार दादा सपारा में और इस सभा में आने के बाद लोग चलते चलते रुके बहन बेटियां महिलाएं बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब तो सबके चेहरे पे एक भाव है कि इस बार नाला सुपारा में परिवर्तन हमारे महायोगी के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा नाइक जी को नाला सुपारा का यहाँ की जनता विधायक बनाने को तैयार दिख रही है। मैंने भी प्रार्थना की कि लगातार एक ही परिवार नाला सुपारा पे शासन कर रहा है और इसके बाद भी नाला सुपारा के पानी नहीं मिल पा रहा तो ये एक इतनी बड़ी असफलता है उन लोगों की जो लगातार यहाँ से विधायक बने हैं। नाला सुपारा की जनता इस बार जो जोश दिखा बार महायुति की प्रचंड सरकार बनेगी जो लोग बेमेल गठबंधन करके और जनता को धोखा करके महाराजा को धोखा दिया था महाराजा धोखे में आने वाले और ना तो लोग बचने वाले सभी लोगों को ये पता चल गया है कि बचने में नुकसान है जुड़ने में फायदा है तो महाराष्ट्र की जनता डेवलपमेंट के रास्ते पे चलती है। इसी मुंबई में आप देखेंगे जब कुछ दिन के लिए दूसरी सरकार बन गई मेट्रो के चलते प्रोजेक्ट रुक जाते थे सड़कें टूटे से और बदतर हो जाती थी और जैसे ही सरकार बनी महायुति की सारे काम तेजी से हो गए और वही पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में अगर कोई कर सकता है तो लोगों का विश्वास हो गया है बीजेपी महायुति और हम उसके साथ सबका साथ सबका विकास अगर सही मायने में कहीं चल रहा है तो वो महायुति है। ये तो आज ही आप देखेंगे वायनाड में एक प्रियंका वगैरह जी चुनाव लड़ रहे उन्हीं के पार्टी के मतलब जो इंडिया अलायंस में जो कम्युनिस्ट है उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये यहाँ पे जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों आतंकियों के समर्थकों का समर्थन ले रही है तो ऐसी कांग्रेस जो आतंकियों का भी समर्थन ले सकती है चुनाव में वो न तो हिंदू का हो सकती है न मुसलमान का हो सकती है न तो इंसान का हो सकती है। ये बात लोगों को पता चल रहा है। हम आज महायुति किसी भी कम्युनिटी के लोग आप कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जहां किसी के साथ ना इंसाफी हो। सबका साथ सबका विकास ये हमारा नारा नहीं है हमारा मंत्र है और इस मंत्र पे महाराष्ट्र को आगे आपको देखिए जब की बात जब मैं था ना तो मैं लगातार तो नहीं रहता था कभी कभार रुकता था लेकिन तब भी मुझे पानी खरीद के ही वगैरह पड़ता था तो आज भी वही स्थिति है इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो इस स्थिति को हम बदलेंगे और अभी तक आपको याद रहे कि देश के 13 करोड़ घरों में नरेंद्र मोदी जी ने नल से पीने वाला जल दे दिया और नाला सुपारा पीछे कैसे रह सकता है तो विधायक बदलते ही वो सारी चीजें ठीक होंगी ऐसा हमारा विधायक भले ही दूसरे थे लेकिन सांसद आपकी पार्टी के थे सांसद ने क्यों नहीं यहाँ पानी की समस्या को दूर किया या दूसरी समस्याओं को दूर किया। देखो सांसद के जिम्मे पानी छोटी गली ये नहीं होती है इसको हम बार बार समझाते हैं गली छोटी सड़क पानी ये सब महानगर पालिका जो होती है उसके अंतर्गत आता है और विधायक बहुत पावरफुल चीज होता है। सांसद के जिम्मे क्या? सांसद कानून बनाने के लिए होते हैं सांसद इस देश की नीतियां बनाने के लिए होते हैं। हम तो नीति बनाए हैं कि प्रत्येक गरीब को भी हम 5 साल तक अनाज देंगे हम उसको भूखे नहीं सोने देंगे
ये हमारी नीति है, हम क्या उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देखते हैं? कभी नहीं पाएंगे आप। इसलिए जो विधायक हैं और उन्हीं की अगर महानगर पालिका है तो ये पूरी तरह उनका फेलियोर है। और विधायक बदलते ही आप देखेंगे कि कैसे विकास की गंगा नाला सुपारा। सर उनका कहना है कि सर 35 साल से जो सत्ता में है उनका कहना है कि हम विकास करते हैं इसलिए जनता हमको चुन के लाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि गली के चुनाव में दिल्ली के विधायक क्यों आते हैं? देखो सांसद दिल्ली के सांसद क्यों आते हैं? बिल्कुल आऊँगा, हमारे गांव के लोग रहते हैं यहाँ, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम तो देश में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ जाते हैं। हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसलिए हम सबको कहते हैं देखो भैया अनमने ढंग से घर में रह मत जाना, ये मत सोचना एक वोट से क्या होता है, एक एक वोट भी कास्ट हो। हम ये समझाने जाते हैं। और आप देखते हैं जब हमारे देश का प्रधानमंत्री छोटे से छोटे चुनाव में जाते हैं तो हम कार्यकर्ता कैसे पीछे रह सकते? नहीं, वो सारी चीज़ों को पीछे की कुछ गड़बड़ियों ने स्लो कर दिया था, अब वो पुनः अपने गति में आ रही है और जल्दी ही वो सब कुछ आपको दुरुस्त होकर के। सर इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है? इस बार नाला सोपारा में सत्ता परिवर्तन कर किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हमारा विधायक करवट है, हमारा विधायक जो जिसकी सरकार बन रही है पूरे महाराष्ट्र में उनके साथ वाला विधायक दे दीजिए, बस यही प्रार्थना।